नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो भाइयों, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कई लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बोलते हैं, गुरुजी मुझे तंत्र विद्या सीखनी है, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कर्जा उतारना है। तो आज ये सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक और खुशखबरी जो कि लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो जो लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे ऊपर कर्जा है, हम तंत्र विद्या में आना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों खुद सोचो, कर्जा क्या तंत्र विद्या उतार के देगी आपको? तंत्र विद्या का हवा में पैसे उड़ा के देगी आपको कि आजा बेटा तंत्र विद्या सीख ले और मैं तेरे को पैसा इतना दे दूंगी, तू एक सेकंड में मतलब सारा कर्जा उतार देगा? तो मेरे भाई, तंत्र विद्या इस चीज के लिए नहीं होती। माना कि शक्तियां सपोर्ट करती हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता कि तुम्हारे ऊपर लाखों इतने कर्जे हैं तो तुम्हारा कर्जा एक सेकंड में उतर जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? पहली बात तो कर्जा लिया है तो चुकाओ। तंत्र विद्या से सीख के तो तुमने कर्जा लिया नहीं था, तंत्र विद्या से कुछ तो मतलब तुमने सोचा नहीं था कि हाँ भाई तुम कर्जा लोगे तो तंत्र विद्या सीख के उतारोगे। तो तंत्र विद्या क्यों सीखी जाती है? तंत्र विद्या सीखी इस करके जाती है दूसरों की भलाई करने के लिए, कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो परेशानियां अपने लाइफ टाइम में तंत्र विद्या से जो आई थी वो तुम किसी को ना आने दो, लोगों का भला करो। जो लोग तंत्र बाधा से परेशान है उन लोगों का ठीक करो। तंत्र विद्या इस करके सीखी जाती है जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है। और दूसरी चीज, जो लोग तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, तो मेरे भाई जैसे कि बहुत पहले, एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हम लोग अपनी फीस लेते हैं और फीस लेके हम सिखाते हैं, ठीक है? अगर आप लोग स्कूल में जाते हो स्टडी करने के लिए जाते हो, या आप ट्यूशन पे जाते हो स्टडी करने के लिए, तो वहाँ भी फीस ली जाती है ना। तो ऐसे ही हमारा भी है, मैं फीस लेता हूँ। अगर कोई फीस देने के लिए अफोर्ड कर सकता है तो आ सकता है, अगर नहीं कर सकता तो कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम सीखो ही आके, ठीक है? कभी बोलते हो गुरुजी हम गरीब हैं, कभी बोलते हो ये, कभी भाई मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर तुम गरीब हो, अगर तुम ये हो, तो भाई तंत्र विद्या क्यों सीख रहे हो यार? पहले भी तुम्हें 100 बार बता चुका भाई, तंत्र विद्या सिखाने की हम फीस लेते हैं, तुम फीस दो और अपना सीखो इस चीज़ को, ठीक है? अब इन चीज़ों को भी तुम्हें बुरा लगता है, अगर तुम्हें सच सुनना भी बुरा लगता है, तो भाई ठीक है, मैं बुरा ही अच्छा हूँ। तुम लोगों को वही लोग अच्छे लगते हैं जो तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जो नौटंकी करते हैं, वो तुम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं वो चीज़ें। जब तुम ठगे जाते हो ना उनसे, फिर तुम रोते हो कि गुरुजी हम ठगे गए। और एक इंसान जो खुल के बोलता है, बिना सोचे समझे आपको जो दिल में आता है वो आपसे बातें करता है, तो वो इंसान तुम लोगों के लिए बुरा है आज के टाइम में, ठीक है? साफ बोल रहा हूँ, फीस लेता हूँ और तंत्र विद्या सिखाता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लेना। दूसरी चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। तीसरी चीज़ कि गुरुजी हमें आपका शिष्य बनना है, तो मेरे भाई देखो, शिष्य बनाने के लिए अभी मेरे ऊपर रोक लगी हुई है। शिष्य मैं अभी किसी को नहीं बनाता, ना अभी बनाऊंगा, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं अपने शिष्य बनाऊं, ठीक है? अभी तो मुझे बहुत काम करना है मेरे भाई, दुनिया में बहुत कुछ करना है। अभी मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकता, ना मेरे गुरुजी का आदेश है, ठीक है? तो आप लोगों के कहने से तो मैं चलूंगा नहीं, आप लोगों को तो सिर्फ समझा सकता हूं मैं कि भाई मैं नहीं बना सकता, जो कि मैं आपको बताता भी हूं। और कई लोग होते हैं जो गाली गलौज कर देते हैं, फिर तू काहे का गुरु है, तू ये है, तू वो है। भाई देखो, गाली गलौज करते रहो, चलना तो मैंने अपने गुरु के हिसाब से है, तुम लोगों के हिसाब से तो मुझे चलना नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई चीज़ मेरी बुरी लगती है, तुम्हें कोई वीडियो से रिलेटिव कोई जानकारी चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको जरूर जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है? और अगली चीज, जो लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं,
तो मेरे भाई कोई उनके मैसेज का जवाब नहीं दूंगा, कोई उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आगा, सीधा एक सेकंड से पहले उनको ब्लॉक करता हूं मैं। जो लोग वीडियो कॉल और बिना सोचे समझे मुझे व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं, चाहे उनका कोई भी काम हो, सीधा ब्लॉक। तुम लोगों को पता होना चाहिए, हमेशा मैं बताता हूं तुम लोगों को कि मेरे भाइयों, जो व्हाट्सएप दिया गया है वो ओनली फॉर मैसेज के लिए है। तुम अपनी पहले मुझसे बात करो, या जो व्हाट्सएप चलाते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप हैंडल जो यूज करते हैं लड़के, तुम कम से कम उनसे बात करो कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये समस्या है, क्या हमारी गुरुजी से बात हो सकती है, तो वो आपको सारी जानकारी वहां पे देंगे। कम से कम तुम लोग सब्र तो करो। अब हजारों मैसेज आते हैं यार, एक इंसान है जो व्हाट्सएप हैंडल करता है, अब एक बात बताओ हजारों लोगों को वो कैसे मैसेज कर सकता है। फिर तुम बोलते हो गुरुजी तो व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब नहीं देते। अब एक चीज मान लो, एक आदमी ने अभी मैसेज किया, उसने मैसेज हमने ओपन करके देख लिया, उसके बाद हजारों मैसेज और पेंडिंग होते, वो आने शुरू हो जाते हैं, तो सोचो मेरे भाई यार, तुम हमारी जगह होते ना तुम तो तुम लोगों को पता लगता कि कैसे क्या काम किए जाते हैं और किस तरीके से काम होते हैं, ठीक है। और अगली चीज, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं प्राइवेट, तो उसके चार्जेस हैं, जो कि मैंने बहुत पहले कॉल मी ऐप से मैंने बता दिया था मेरे चार्जेस हैं। हाँ, अगर कोई सच में जो अफोर्ड नहीं कर सकता चार्जेस, अब ये तो नहीं, अब तुम बोलोगे गुरुजी हम अफोर्ड नहीं करते, हर कोई आ जाएगा, तो भाई नहीं, अगर सच में वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे भाई मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं, मैं उन्हें खुद कॉल करता हूं, चाहे एक घंटा लगे चाहे दो घंटा लगे, मैं अपनी तरफ से उनसे कॉल करके उनके परेशानी पूछता हूं। तो मैं ऐसा इंसान हूं, मैं खुद को गुरु नहीं समझता कि मैं गुरु हूं। कभी मेरे को देखा है माथे पे तिलक लगाते, ये लगाते, कपड़े पाते, ये नौटंकी करते हुए? मैं कभी नौटंकी नहीं करता, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं आप लोगों की तरह ही, ठीक है। मैं आप लोगों का दोस्त हूं, मैं आप लोगों का भाई हूं, ठीक है, इस चीज को समझो। अगर मैं मुंह से बोलता हूं ना, अगर मेरी बातें आप लोगों को लगती है ना गुरुजी आप में घमंड है, आप अकड़ू टाइप के हो, आप ये है वो हो, एक बार बताओ भाई, किसी का मांग के तो खाता नहीं। अगर मैं अकड़ू हूं ना, अगर मैं बुरा हूं ना, अगर मैं साफ बोलता हूं ना, अगर यही चीजें तुम लोगों को बुरी लगती है ना, तो भाई 100 बार लगती रहे, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो साफ सीधी बात करता हूं, साफ सीधा बोलता हूं। अगर मैं पैसे भी लेता हूं ना, तो साफ बोलता हूं भाई मैं पैसे ले रहा हूं इस चीज के, ठीक है। चोर तो वो होता है जो किसी को बेवकूफ बना के पैसा लेता है, जो किसी को धोखे में रख के पैसा लेता है, ठीक है। तो बात करने के भी चार्जेस हैं, और जो लोगों से मैं बात करता हूं, जिन लोगों के मैंने काम किए, जिन लोगों से मैं प्रॉब्लम है, जो एक एक घंटे से मैं उनको खुद कॉल करके पूछता हूं, तो वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता है कि मैं खुद कॉल करके पूछता हूं अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो ध्यान से आप लोग सुन लेना, समझ लेना इन चीजों को, ठीक है मेरे भाई। हर चीज करने का एक तरीका होता है, पहले तुम कम से कम व्हाट्सएप पे बात करो। तुम डायरेक्ट ना कोई मैसेज करते हो ना कुछ करते हो, सीधा मतलब कॉल, वीडियो कॉल, यार तुम्हें खुद समझ आनी चाहिए। तुम लोग पढ़े लिखे भी अनपढ़ बन जाते हो, समझ नहीं आती, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आज मेरे 91,000 यानी 91,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 3 साल की मेरी जर्नी थी यूट्यूब पे, और आप लोगों को पता होगा सबसे पहली वीडियो मैंने अपनी लाइफ की जर्नी की डाली थी, सारी लाइफ की कहानी बताई थी, मैं क्यों तंत्र में आया, क्या कारण थे मेरे, क्या मेरे परिवार के साथ परेशानियां हुई, वो सारी चीज़ मैंने सबसे पहली वीडियो मैंने यही डाली थी, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उस वीडियो को लाइक किया, पसंद किया, तो मुझे आप लोगों से एक हौसला बढ़ा कि हाँ कोई है जो मेरे साथ में है। आज मेरी वीडियो को चाहे 100 लोग देखें, चाहे 50 लोग देखें, चाहे 10 लोग देखें, मुझे उन 10 लोगों से ही मतलब है जो मेरी वीडियो को देखते हैं। जब तक वो है ना,
तब तक मैं हूँ यूट्यूब पे। तो मेरे भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, जो भी मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप लोग अगर ऐसे ही करोगे तो मैं भाई लाइफ टाइम तक जिंदगी भर यूट्यूब पे आप लोगों का साथ दूंगा। चाहे मेरे 100 सब्सक्राइबर हों, चाहे मेरे को 100 लोग देखने वाले हो, चाहे मेरे को 50 देखने वाले, जितने भी लोग मुझे देखते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम नहीं मिलता मेरे को वीडियो डालने का, क्योंकि भाई मैं अपनी जॉब भी करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तंत्र लाइन सीखने से पहले भी मैं जॉब ही करता था, और आज भी मैं अपनी जॉब ही करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप लोग ये मत समझना कि मैं तंत्र लाइन से मतलब मैं पैसा कमा के अपने घर का गुजारा चलाता हूँ, ना, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ अपने और अपने घर का गुजारा चलाता हूँ, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। बाबा मैं बचपन से नहीं था, बाबा मुझे मजबूरी ने बनाया, ठीक है। तंत्र लाइन में मैं मजबूरी में आया, तो आज ये हुनर है कि मैं लोगों को ठीक कर देता हूँ। जितना मेरे गुरु ने मुझे जितना भी सिखा के गए हैं मुझे, इस काबिल हूँ मैं कि लोगों का ट्रीटमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी सीख ही रहा हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, और ये ऐसी चीज़ है जो जितना सीखोगे उतना कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और एक खुशखबरी कि मेरे भाइयों, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मदद से मेरा चैनल मोनोटाइज हो चुका है। मोनोटाइज, जिसको नहीं पता, YouTube की तरफ से एक मोनोटाइजेशन का सिस्टम होता है। वो सिस्टम अगर ऑन हो जाए तो चैनल्स पे ऐड आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आप कहीं देखते हो वीडियो पे ऐड आती है, सारी चीज़ें, वो मेरा चैनल मोनोटाइजेशन में ऑन हो चुका है। ये आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप लोग मेरे साथ ना होते तो मैं यहाँ तक इस काबिल ना बनता। तो हाथ जोड़ के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग हो तो मैं हूँ, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और प्लीज़, मैंने जो चीज़ें आज आपको समझाई है, एक बार उस चीज़ों पे गौर करिए। मेरी जगह खुद को रख के देखिए भाई, मैं सुबह जाता हूँ जॉब पे, मुझे शाम को आना पड़ता है। जो पीछे से जो व्हाट्सएप हैंडल करता है वो मेरे फैमिली का एक मेंबर है जो व्हाट्सएप हैंडल करता है। रात को 9 बजे के बाद मैं आता हूँ व्हाट्सएप पे, जो कि मैं हैंडल करता हूँ फिर, ठीक है। इस चीज़ को आप सोचिए, समझिए। मैं वो वाला बाबा नहीं हूँ मेरे भाई, जो एसी के नीचे बैठ गया, कुर्ता पजामा डाल के बैठ गए, ये हो गया वो होगा, ना भाई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरी भी फैमिली है, मेरा भी सब कुछ है, मुझे भी जॉब करता हूँ मैं अपनी, ठीक है। ताकि मैं इस करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग से ना ये चीज़ें निकल जाएं। मैं औरों जैसा नहीं हूँ भाई, मेरा तांत्रिक लाइन से मेरे परिवार का दूरों दूरों तक रिश्ता नहीं था। ये तो मजबूरी थी कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, ऐसी शादी के बाद ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई कि जो मुझे इस चीज़ों का सामना करना पड़ा। समझ रहे हो बात को? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब कोशिश करूंगा कि रात को मैं वीडियो डालूं, कभी भी एनी टाइम मैं वीडियो डाल सकता हूं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज वीडियो डालूं, ठीक है। अगर आपको ये मेरी बातें जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।